हमारे सभी महाराज के साथीगण और मंच पर बैठे विनोद सभी नेतागण आप सबका बता दो दे चल गया बहुत बहुत आप कोई बता स्वागत है। मोदी जी को और मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं जिनको ये जनादेश लोगों ने दिया। और एक बार फिर क्योंकि मोदी जी कहते थे कि एक मौका और दो तो 10 साल पूरे उनको दिए ताकि वो अपने चुनावी वायदे पर पूरा कर सके। और हमें विश्वास है कि वो लोगों की उम्मीदों पर आने वाले दिनों में खड़े उतरने का काम करेंगे। जहाँ तक देश का सवाल है, हम सब जानते हैं कि एक तरफ राहुल जी के नेतृत्व में देश को जोड़ने वाले जनता के मुद्दे और प्यार प्रेम की भाषा का इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को ऑर्गेनाइज किया, लोगों के बीच में घृणा पैदा करने का काम किया, सेना का इस तरीके से राजनीति करके सेना के पीछे छुप करके वोट की राजनीति करी, और वही सेना और वही शहीदों के परिवार जब कल हुई तो वो नदारद थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक रंजिश के चलते जो मामले थे उन लोगों को वहाँ बुलाया गया। तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं देश प्रेम, मानवता, इन सबसे ऊपर उठ करके राजनीति से प्रेरित मामले लगते हैं। और कुछ दिन पहले हमने देखा भी कि अमेठी में भी इसी तरह की बात आई निकल करके। और जब पिछले एक दो दिन में सारे तथ्य सामने आए, डीजीपी की तरफ से जब बात आई यूपी के, तो ये निकल करके आया कि वो राजनीतिक रंजिश के चलते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या करी और उसका ब्लेम कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर लगाने की कोशिश। हम तो यही कहेंगे कि राहुल जी ने एक मजबूत नेतृत्व दिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के ग्राफ में वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई और हरियाणा के अंदर भी हम लोग यहाँ पिछले चुनाव में हमारा वोट शेयर करीबन 22% के आसपास था, वो आज बढ़कर के 28.4% हुआ, 5.5% की बढ़ोतरी उसमें हम लोगों ने हासिल करी। ये सच्चाई है कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर कोई सीट नहीं है आई, लेकिन उसके और भी बहुत कारण है। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी INL, वो आज टूट करके तीसरे और चौथे नंबर पर, और INL और JJP का कंबाइंड वोट शेयर रख करके 6.8%। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कारण रहा कि जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ हरियाणा की राजनीति में, और ध्रुवीकरण हुआ नहीं, ये कहीं ना कहीं खुद इसके लिए INL और JJP जिम्मेदार है। अगर वोट प्रतिशत देखें, मैं खुद के संसदीय क्षेत्र में आपको बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जहाँ INL को पिछले चुनाव में 5.25 लाख के आसपास वोट मिले, उसके इस बार दोनों के मिला के INL के देखेंगे तो 70-80 हजार है, और दोनों के मिला करके करीबन 1.5-2 लाख के मिले। तो ये 3.5-4 लाख वोटों का जो ट्रांसफर है, कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने वोट शेयर
लेकिन और जो पार्टियां हैं उन्होंने घटाया और घट गया दोनों पार्टी। ये कितना था सर दोनों का मिला के कितना पूछ रहे जी? इस बार 6.8 दोनों का मिला 6.8 और कांग्रेस का है 28.4%। पिछली बार के मुकाबले 5.5% की इसमें बढ़ोतरी। मैं समझता हूँ कि हमें एक बार नए सिरे से दोबारा है सभी साथियों को पूरी मजबूती से लगने की जरूरत है, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर फिर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस दोबारा है सड़कों के ऊपर आ गई। हम कल दिल्ली से चंडीगढ़ आते वक्त जगह जगह लोगों ने एक ही बात कही कि हमें चाहिए राहुल गांधी, देश को चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस को चाहिए राहुल। राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले समय में फिर हम संघर्ष का संकल्प लेते हैं और यही मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि सभी साथी पीछे बहुत से साथी जो सड़क पे नहीं आ पाए या सड़क पे आकर के संघर्ष नहीं किया, अगले 3-4 महीने वो सभी साथी सड़क पर आकर के संघर्ष करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस फिर दोबारा सरकार बनाए प्रदेश के अंदर, ये सुनिश्चित करेंगे। तो बाकी क्योंकि आपके और बहुत सवाल होंगे उनके जवाब में बहुत सी बातें रहेंगी। मैं तो यही कहूंगा कि हम हर वर्ग का धन्यवाद देना चाहते हैं, छत्तीस बिरादरी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसको सबका वोट मिला और सभी वर्गों ने भी किसान मजदूर छोटा दुकानदार व्यापारी कर्मचारी नौजवान हमारी माताएं बहने सबने दिया वोट, लेकिन कहीं ना कहीं और विश्वास हमें उनका जीतने की जरूरत है और जो मिलकर के हम लड़ाई लड़ेंगे और विश्वास को जीतेंगे। विधानसभा लोकसभा के चुनाव हम सब इस बात को जानते हैं कि दोनों चुनाव बिल्कुल भिन्न होते हैं और इसलिए अभी यहाँ पर विधानसभा लोकसभा के एक साथ चुनाव थे दोनों, उसका उदाहरण उड़ीसा है और एक ही समय में जो वोट पड़ रहे थे दोनों ने अलग अलग उसको दिया, तो यहाँ तो 3-4 महीने का फर्क है और ये वोट हमने कहा कि ये मुद्दों के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़ा रहा है, ये चुनाव व्यक्तिवाद के ऊपर लड़ा गया, ये चुनाव कई और दूसरे मुद्दों के ऊपर लड़ा गया। तो इसलिए जब जमीनी मुद्दों के ऊपर, जब किसान के एजेंडे के ऊपर लड़ाई होगी, जब मजदूर का जो मजदूर को न्याय नहीं मिला उसकी बात होगी, हरियाणा से जो वायदे किए थे वो पूरे ये सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के मामले, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफलता मिलेगी और अब यही जरूरत है कि हम पूरा आकलन करें बूथ स्तर पर कहाँ हमें कितने वोट मिले, जो मजबूत है वहाँ और मजबूती से काम करें और जहाँ कमजोरी है उसको मिलकर के हम उस कमजोरी को दूर करें। मैं तो सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि आज से, हालांकि अपने अपने इलाके में सभी हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर और उसमें भविष्य की रणनीति, पार्लियामेंट इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव, सारे इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और परसों फिर मीटिंग है, 4 तारीख को फिर एक अगली मीटिंग है, उसके बाद हम और रूपरेखा तय करेंगे। तब तक अपने अपने इलाके में जो हमारे उम्मीदवार रहे वो आभार भी प्रकट कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और उसके आधार पर आगे की रणनीति हम तय करेंगे। कल करनाल में भी हमने साथियों की मीटिंग बुलाई है कि जो साथी अपना फीडबैक देना चाहे आगे के चुनाव के संदर्भ में वो भी अपना फीडबैक दे, अलग अलग साथी मेरे भी, हमने फतेहाबाद में 2 तारीख को जिले का एक फीडबैक का और कार्यकर्ताओं का, साथियों का, नेताओं का आभार प्रकट करने के लिए मीटिंग रखी है 3 को, तो सब अपने अपने तरीके से लगे और आने वाले समय में
चार तारीख के बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ स्तर पर जो और मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी विस्तार से डिटेल में बात करेगी। मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सलाह मशवरा करेंगे ना तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां है ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां है, किससे सलाह करेंगे? सलाह तो ये तो लोग तो वही है, उन्हीं में से डिस्ट्रिक्ट बनना है, उन्हीं में से ब्लॉक बनना है, उन्हीं में से जो सारे साथी है हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया बूथ स्तर पर, जिन लोगों ने काम किया है। आपने किनकी ड्यूटी लगाई है ये मीटिंग करने के लिए? किनकी ड्यूटी लगाई है? ड्यूटी हमारे साथियों की लगाई है जो चुनाव लड़े हैं उनकी है, जो पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी है उनकी ड्यूटी है, आप भी आमंत्रित है। अरे तार साहब, वही आप तार साहब कहते हैं कि जो बूथ कमेटी और इनका गठन नहीं हुआ ये हार के पीछे कहीं ना कहीं एक कारण, कमेटियों का तो गठन हो रखा है, किसने कहा डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का आपका गठन नहीं हुआ वो हार का एक कारण था बड़ा? ये मैं समझता हूँ कि जो संगठन का जो ढांचा है निश्चित तौर पर वो और दुरुस्त होना चाहिए, और हमने भी इस बात को रखा है, अभी भी बात रखा है कि सभी साथी हम बाहर कुछ बात करें और अंदर कुछ बात करें उससे काम नहीं चलेगा, सबको जोर देना चाहिए कि हम संगठन का दुरुस्त ढांचा करें, और ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कोई एक व्यक्ति की नहीं है, एक सबकी मिलाकर के। सर हुड्डा साहब ये कह रहे थे वोटिंग के बाद जब यहाँ पर आए चंडीगढ़ कि अगर संगठन होता तो वो अच्छे से चुनाव लड़ा जाता, लेकिन 2014 में तो सब कुछ था, 2014 में तो संगठन भी था, सरकार भी थी और भी सब कुछ था, फिर क्या हुआ? लेकिन जब तक एक सीट पर जीत गई थी कांग्रेस, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक सीट जिताना तो लक्ष्य नहीं था ना, लक्ष्य तो जो है 10 की 10 सीटों का होना चाहिए था, पहले भी वही होना चाहिए था, आज भी होना चाहिए था, आगे भी। लेकिन अब क्या मतलब कब तक संगठन देखेंगे कांग्रेस का बन जाएगा क्या विधानसभा चुनाव से पहले? उसी को लेकर के चर्चा हुई है पहले, और 4 तारीख को भी उसी को लेकर के फिर चर्चा होगी, और मैं समझता हूँ कि ये समय ऐसा है कि मैदान में डट करके सबको जिम्मेदारियों से भागना ना तो बहादुर व्यक्ति की पहचान होती है, और मैं समझता हूँ कि उस तरीके से। साहब ये तो आप विधानसभा की बात कर रहे हो, आपका लीडर ऑफ ओपोजिशन का पद खाली पड़ा है, वो सहमति मांग रहे हैं कभी आपसे कभी किरण चौधरी से, आप वो नहीं ले पा रहे? विधायकों को भी लिखा गया था वो, कोई आप पार्टी अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष हैं तो जारी करेंगे, उसमें भी बात हुई है, और अगले एक दो दिन में जब हम जब मिलेंगे तो उसकी और विस्तार से चर्चा। अध्यक्ष जी पीछे आपकी जब बैठक हुई, लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है जो आपकी विधायक दल की नेता रहे उससे अलग हो सकता अगर इतना ज्यादा गंभीर? नहीं नहीं अभी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग लोकसभा के चुनाव में व्यस्त थे, उसके बाद अब जो मिलेंगे पिछली मीटिंग में भी उसके ऊपर अनौपचारिक तौर पर बात हुई है। और सर वो तो चुकी है, अच्छी बात है, जब क्लेम हमारा जब नंबर हमारे पक्ष में तो क्लेम भी हम ही करेंगे, बाकी सबके सलाह मशवरे के बाद उसका अंतिम रूप। कुछ प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफे भी भेजे अपने कांग्रेस आला कमान को, आपका भी कुछ विचार है इस्तीफा भेजने का? देखिए मैंने कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है सबकी, तो इसलिए जिम्मेदारियों से भागना जो है वो हमारा काम नहीं है। किसी इस्तीफा भेजे क्या सर? किसी कवि ने कहा है असफलता एक चुनौती है। सर राहुल गांधी ने असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक मैं हो सफल नीन चैन को त्याग दो, हमने पहले भी त्याग रखी थी और त्याग देंगे, औरों को भी त्याग देंगे। सर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था क्या? अरे जवाब का मैदान छोड़ो मत, भागो तुम,
सोनलाल द्विवेदी जी की इन पंक्तियों को आने वाले समय में अक्टूबर में कांग्रेस के हाथ की सरकार बने ये मिलकर के हम सर आपने कहा कि भागना नहीं चाहिए राहुल गांधी जी ने और भी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की क्या वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं आप ये कहना चाहते हैं देखिए कोई ये नहीं कहना चाहता हम अपनी बात कर रहे हैं और पूरा देश राहुल जी को चाहता है ये राहुल जी का व्यक्तिगत वो था कि भाई कुछ चीजों को लेकर के वो आहत थे उन्होंने वो बातें थी जब दूसरी मीटिंग रखी और हमने पार्टी की तरफ से कहा है कि मीडिया से लेकर के सब जो अंदरूनी हमारी मीटिंग है उसका सब लोग सम्मान करें और जो गोपनीय बातें होती है कमल साहब कई स्टेटों के स्टेट के प्रधान जो है दे हैव रिजाइन फॉर एग्जाम्पल पंजाब का है उत्तर प्रदेश का है आप भी अपने पद से स्पेसिफिक इस्तीफा देंगे दोबारा पढ़ कर बता दिया अभी बताया मैंने उसका जवाब दिया कि जो है अपने कोशिश जारी रखनी चाहिए मैदान में डटे रहना चाहिए कुछ लोग तो मेरा 5 साल से इस्तीफा मांगते हैं ठीक है ना उनके कहने से नहीं अशोक तंवर वो पार्टी का सिपाही है जो पार्टी के लिए जान दे सकता है लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी जान भी दी जाएगी और भी चीजें करी जाएंगी लेकिन ऐसे नहीं कि जो अपनी खुद की गलतियां अगर कोई अशोक तंवर पे थोपना चाहेगा तो अशोक तंवर उसको स्वीकार नहीं करेगा तंवर साहब आप जब संघर्ष की आप बात कर रहे थे कि सड़कों पे हम पहले से थे कुछ लोगों को और आना चाहिए कुछ लोग मेरे इस्तीफे शुरू से मांग रहे हैं कुछ लोग मिलके संगठन वो कुछ लोग कौन है ये भी तो सर क्योंकि अब तो सामने आ चुके उन लोगों के नाम नहीं बताने के नाम बताने की जरूरत नहीं ना जो आप खुद बहुत जागरूक पत्रकार देखिये मैंने हमेशा पार्टी के सिपाही के नाते अध्यक्ष के नाते हमेशा ये कोशिश करी कि सबका साथ लेकर के हम संगठन को मजबूत करें और कौन लोगों ने किन लोगों ने क्यों नहीं उसको करने दिया ये तो जवाब वही दे सकते हैं लेकिन हमारी आज भी इच्छा है पहले भी इच्छा थी और आगे भी इच्छा रहेगी कि हम संगठन का ढांचा दुरुस्त करके सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए उसको मजबूत करें आपने कहा हार के कई कारण है आपने कहा हार का एक ही कारण नहीं कई कारण है जरा 5-7 कारण बता कौन कौन से कारण रहे उसकी तो अभी समीक्षा चल रही है ना अभी तक की समीक्षा में क्या सामने आया एक दो वो बहुत से कारण है और उसको समय आने पर उसका भी खुलासा करेंगे अभी आधी अधूरी क्योंकि अभी सबसे फीडबैक लेने में हम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेने में लगे हुए हैं पार्टी के सीनियर लीडर से लगे हुए हैं कल करनाल में हमने सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है लेकिन जहाँ तक कई बार पदाधिकारियों की बात आती है मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि कम से कम 10,000 पदाधिकारी काम कर रहे हैं अगर काम नहीं कर रहे होते तो ये 28.4% कैसे होता ये तो और कम हो जाना चाहिए था ये तो है नहीं कि कोई एक चीज तो नजर आई है आज 10,000 लोग हमारे सेल डिपार्टमेंट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उसके 10,000 पदाधिकारी काम कर रहे हैं ये कहना कि संगठन नहीं है मैं समझता हूँ कि काम करने वाले लोगों का अपमान है जो उन साथियों को नहीं करना चाहिए हम तो हमेशा मैं समझता हूँ कि अगर सब लोगों ने जैसे और साथियों ने मेहनत करी थी हमने मेहनत करी थी सबने अपने अपने इलाके में मेहनत की होती सवाल ये है जो संगठन के आप लगातार और कुछ लोग क्या पूर्व मुख्यमंत्री को आप जिम्मेदार मानते हैं संगठन नहीं मैं तो मशीन को जिम्मेदार मानता हूँ सोनी बस से जरूरत अच्छा ये मशीन ईवीएम देखिए ना ईवीएम भी दोषी है इसके और वहाँ बड़े बड़े ट्रक आए आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई इसको हमारे फतेहाबाद में आए फतेहाबाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से संगठन के लिए मशीन कैसे जिम्मेदार है आज तक उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया संगठन के लिए मशीन कैसे जिम्मेदार है और पंजाब में वही कह रहा हूँ संगठन के लिए भी वो मानव मशीन भी जिम्मेदार हो मानव मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग जिम्मेदार हैं यार किसी एक कारण आदमी के ऊपर आरोप लगाने से काम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सब अपने बेटों के या बच्चों के चुनाव प्रचार में लगे रहे उसी में लगे रहे पार्टी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कितना सच है नहीं वो तो उन्होंने बात की उनके पास जो फीडबैक था उसके आधार पर उन्होंने कहा और बहुत सी चीजें इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अंदर की बातें हैं मैं तो अंदर बैठा नहीं हूँ लेकिन जो अंदर की बातें हैं उसको हम अंदर रखें और आने वाले समय में
बाहरी तौर पर जिन राज्यों में चुनाव में, तो उनको राहुल जी को यही कहूंगा, पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से जो मैंने फीडबैक देखा है चारों तरफ से, जिस तरीके से बात निकल करके आई है, ये उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जनों की भावना को देखते हुए पूरे देश से जिस तरीके से जो स्वर उठे हैं, वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल करके और हमें मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। जिस तरीके से 5 साल उन्होंने जनता की लड़ाई सड़कों के ऊपर संसद में लड़ी और मजबूती से वो लड़ेंगे, और हरियाणा से लेकर के जो ये 4-5 राज्यों के चुनाव है, यहीं से हम हालातों को फिर बदलने का काम करेंगे। हरियाणा राज्य उन राज्यों में है जो सबसे पहले हम गेन करके कल 5-6 जिलों ने मुझे खुद स्वयं दिया रस्ते में रोक रोक करके, और उसी के आधार पर मैंने बात कही कि देश जो है वो राहुल जी को चाहता है, कांग्रेस राहुल जी को चाहती है, और हम सब लोग राहुल जी को अध्यक्ष इसमें अध्यक्ष